पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा आज मुरादाबाद मंडल में परीक्षा के लिए बनाए गए 69 केंद्र, परीक्षा केंद्रों को 11 जोन 32 सेक्टर में बांटा गया। दो पाली में होगी परीक्षा, एक पाली में 29,000 परीक्षार्थी होंगे शामिल। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होगी परीक्षा, पुलिस लाइन में बने कंट्रोल रूम से होगी मॉनिटरिंग। पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए सेंटरों पर जुटी हुई है परीक्षार्थियों की भीड़। 8 बजे से परीक्षा केंद्र में दी जाएगी एंट्री, 10 बजे परीक्षा होगी शुरू। देखिए जनपद मुरादाबाद में कल 23, 24, 25 और फिर 31, 30 और 31 को 5 दिन दो पालियों में परीक्षा रहेगी। और जो ये उत्तर प्रदेश कांस्टेबल्स की जो रिक्रूटमेंट है उसके मुरादाबाद में 26 सेंटर हैं और प्रत्येक पाली में 11,712 इसमें कैंडिडेट्स हैं। परीक्षा के संबंध में संपूर्ण तैयारियां कर ली गई हैं और इसमें जो सेंटर पर जितनी व्यवस्थाएं थी वो पूरी की पूरी सुनिश्चित कर ली गई हैं। सभी अधिकारियों के द्वारा उसका परीक्षण भी कर लिया गया है। इसमें जिलाधिकारी महोदय से भी समन्वय स्थापित करके चाहे वो रेलवे स्टेशन है चाहे इसमें रोडवेज है और यहाँ पर पर्याप्त व्यवस्था रहेगी और बेहतर संचालन किया जाएगा। साथ में जो ट्रैफिक की व्यवस्था है, ट्रैफिक की व्यवस्था हेतु भी पर्याप्त अरेंजमेंट किए गए हैं ताकि किसी प्रकार की जाम की कंडीशन ना लगे। हमारी जो सर्विलांस और SOG की टीम है उनको भी सतर्क रखा गया है कि परीक्षा में पूरी तरह से सुचारितापूर्वक उसको कंप्लीट कराया जाए। अगर जो किसी के द्वारा किसी भी प्रकार से विघ्न डालने का कोशिश किया जाएगा तो उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।